बड़े भाई सचिन पायलट जी का, आप सभी का मैं अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। बा पर्ची कटे, पर्ची कटे, पहले एक बार बैठने दो, ठीक एक बार नो। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राहुल गांधी जी को विश्वास दिलाएं कि बीकानेर लोकसभा और गंगानगर लोकसभा कांग्रेस यहां से जीत के जाएगी। हमारे बीच में युवाओं की पहचान और नौजवानों की आवाज और गरीबों के मसीहा राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। आप सब बैठे एक बार, अशोक गहलोत साहब पहुंच चुके हैं और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब पहुंच चुके हैं, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। माल्यार्पण के लिए मैं राहुल गांधी जी के स्वागत पे लिए सबसे पहले गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से गुजारिश करता हूं कि माला, सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। उसके पश्चात अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो भी राहुल गांधी जी का माला पहनाकर अनूपगढ़ की धरा पर स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं गोविंद राम जी मेघवाल साहब जो बीकानेर के प्रत्याशी और कुलदीप इंदौरा साहब जो गंगानगर के प्रत्याशी हैं, वो साफा पगड़ी राजस्थान के आन और बान शान को पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन। तालियां बजाएं, तालियों के साथ गड़गड़ाहट। राहुल गांधी जी को एक संदेश, नया संदेश देने के लिए हम सबके बीच में आज आए हैं। आप देखिए कि कितने किलोमीटर तक पैदल चले हैं हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। मैं आप सबके माध्यम से, समय की सीमा है, वक्त का तकाजा है, सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब आए और अपने विचार व्यक्त करें। सर बीजेपी का मौर्या बोला देसी मौर्या गोविंद जी डोटासरा साहब। हमारे नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे बीकानेर के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय गोविंद मेघवाल जी, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोकसभा के प्रत्याशी हमारे कुलदीप इंदौरा जी, हमारी यहाँ की अनूपगढ़ की विधायक बहन शिमला नायक जी, सम्मानित मंच और किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच में इस अनूपगढ़ की धरती पर बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में और गंगानगर जिले में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आए हैं। हम इनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल जी, ये वो धरती है, किसानों की धरती है, जहां पर इन किसानों ने इस मोदी सरकार के खिलाफ उन तीन काले कानूनों को वापस करने के लिए यहां पर 13 महीने तक बॉर्डर के ऊपर धरना दे करके देश के प्रधानमंत्री को झुकाने के लिए झुका दिया और माफी मांगने के लिए मजबूर किया। ये वो किसान भाई हैं, ये वो किसान हैं जिनकी लड़ाई राहुल जी आपने भूमि अधिग्रहण कानून जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार जब चेंज कर रही थी, अंडाड़ी और अबानी को वो जमीन देने की षड्यंत्र कर रहे थे, तब हमारे नेता राहुल गांधी जी आपने इन किसानों की लड़ाई लड़ी और उस किसानों की लड़ाई में जीत इन किसानों की हुई। इसके लिए भी आपका ये किसान धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यहाँ के किसान को, राहुल जी पानी चाहिए, फसल का सही कीमत चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मोदी सरकार 10 साल से इन किसानों को कुचलने का काम कर रही है, इनको परेशान कर रही है। इनसे वादा किया गया था इनकी आमदनी दुगुनी करेंगे, इनसे वादा किया गया था कर्ज माफ करेंगे, इनसे वादा किया गया था कि एमएसपी का कानून लाएंगे, लेकिन ठगासा महसूस कर रहे हैं। आज भी यहाँ के किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, लिखित में समझौता किया था,
वो एमएसपी का कानून कहां गया मोदी जी? ये वो किसान है जो चलते चुनाव में श्रीकरणपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार ने राहुल जी मंत्री बना दिया था, उस मंत्री को अग्निवीर मंत्री बनाने का काम इस धरती के किसानों ने किया है। 6-10 दिन तक मंत्री नहीं रहा, शपथ ले ली लेकिन मंत्रालय नहीं संभाल सका और वापिस अग्निवीर मंत्री बना के भेज दिया। ये वो किसानों की धरती है, इस मोदी सरकार को झुकाने का दम रखती है, इनको सत्ता से हटाने का दम रखती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा किसान भाइयों, आप बताओ राहुल जी के साथ लग करके यहां से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार और मोदी सरकार का मोरिया बुलाओगे एक नहीं बुलाओगे? गोविंद मेघवाल जी को बीकानेर से जीता करके बीजेपी के मंत्री का मोरिया बुलाओगे एक नहीं बुलाओगे? यहां पर हनुमानगढ़ गंगानगर के एमपी हमारे कुलदीप इंदौरा जी को जीता करके सांसद में भेजोगे और बीजेपी के कैंडिडेट के मोरिया बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो ये सब तैयार है राहुल जी, ये किसान है, ये झुक नहीं सकता। जो मोदी जी इनको अन्नदाता कहता था, आज सबसे ज्यादा अगर कुचलने का काम किया है तो इस किसान अन्नदाता को करने का काम किया है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा राहुल जी को सुने और परिणाम इतने शानदार आएंगे कि हम राजस्थान में राहुल जी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने जिस तरीके से मारवाड़ी लहजे में कहा कि मोरिया बोलावना है, बीजेपी अंगार कटका काट देना है। अब थे सगड़ा बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी गोविंद राम जी मेघवाल साहब और गंगानगर लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा साहब वास्ते 19 तारीख ने अधिक संख्या में हाथ के निशान पर वोट मारने की अपील करने वास्ते निवेदन करूं हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि वो आए अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से आपको लाभान्वित करें। अशोक गहलोत जी, हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे भाई गोविंद दत्तासा जी, बीकानेर के कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार गोविंद मेघवाल जी, गंगानगर के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई कुलदीप इंदौरा जी, यहाँ उपस्थित जिला अध्यक्ष बिस्ता राम जी, यशपा गहलोत जी, अंकुर मिगलानी जी, शिमला नायक जी, लोकप्रिय आपकी विधायिका डूंगराम गैदर जी, बी डी कल्ला जी, मोहम्मद सिंह भाटी, विनोद गोटवाल जी, अभिमन्यु सिंह पुनिया, रूबी कुमार जी और तमाम लादरी जी और तमाम हमारे उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये अनूपगढ़ और सूरजगढ़ के तमाम इलाके जो हैं दोनों की धरती है, दूर दूर लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप राहुल जी का स्वागत करने आए हैं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका अनूपगढ़ का लंबे समय मांग थी अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए, जिला बन गया आपका, आप सब खुश हो। अब आप देखिए 20 जिले हमने बनाए थे, मेरी प्लानिंग थी 20 जिलों का मास्टर प्लान बने, मिनी सचिवालय कहाँ बनेगा, कलेक्टर एसपी डीलर कहाँ बैठेंगे, स्कूल कॉलेज कहाँ खुलेगी, 30-33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोली हम लोगों ने, कभी न कभी 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी, टाउन हॉल ही बनेगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ होने की संभावना बनी रहती है। यही सोच के हम लोगों ने शानदार स्कीम बनाई थी, इतनी शानदार योजना लेके आए कि राजस्थान पहली बार देश के अंदर अन्य राज्यों में चर्चा में आ गया। इतनी शानदार हमारी शिक्षा की योजनाएं, हमारी स्वास्थ्य की योजनाएं, 25 लाख का बीमा हो, हमारी बिजली की योजनाएं हो, चाहे सोलर हो, चाहे वो
सूरजगढ़ में तो आपके थर्मल भी है, चाहे वो पीने के पानी की योजना, बिजली की योजना, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों का, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःस्वजनों को पेंशन देने की बात हो, किसानों के लिए अलग बजट पेश करने की बात हो, पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध में अंदर देने की बात हो, लंपीरों का आ गया 40,000 रुपये हमने दिए हैं, एक गाय मर गई उन परिवारों को दिए थे, 2 गायों का बीमा कर दिया हम लोगों ने। कहने का मतलब ये है सभी वर्गों के लिए 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, 1 करोड़ लोगों को, उपभोक्ताओं को आज बिजली का बिल 0 आता है, 1 रुपया नहीं देना पड़ता 1 करोड़ लोगों को। इस प्रकार से जो योजना बनी वो एक इतिहास बन गया, सभी लोग उससे खुश थे, प्रदेश के झूठ बोल के प्रधानमंत्री जी ने, झूठ बोल करके उनके मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने, चाहे मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ रेप होते हैं, यहाँ पर कानून सब बिगड़ी हुई है, अब बिगड़ी हुई है मान रेप अब हो रहे हैं, लेकिन अब हो रही है, और हमें बदनाम किया गया, और मुसलमान को दे दिए 50 लाख, हिंदू को दिए 5 लाख उदयपुर के कनेरा हत्याकांड में, इतना झूठ भी बोल सकता है? पहला पैकेज 50 लाख का किसी को दिया, वो कन्हैयालाल को दिया था हम लोगों ने, फिर भी झूठ बोला गया। इस प्रकार से जो माहौल बनाया गया, सरकार हमारी नहीं बनी है, तो आप निश्चिंत रहो, अब जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, बाढ़ जोड़ो यात्रा, बाढ़ जोड़ो न्याय यात्रा, एक निचोड़ जो है वो आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सामने आया है, जो खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उसको प्रकट किया है। अब हमारी ड्यूटी है, मैं आपको दिल से कहना चाहूंगा, मैंने उसको पढ़ा 3 बार, आपसे मेरी प्रार्थना है, पांचों जो है आपकी 25 गारंटी है उसके अंदर, 5 न्याय की बात की गई है, अब आप जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक आप युवा न्याय हो, महिलाओं का न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो, श्रमिकों के साथ न्याय हो, और सबकी हिस्सेदारी हो, SC ST OBC माइनॉरिटी सबकी, ये 5 जो है जो न्याय की बात की गई है, इसको पूरे प्रदेश को, पूरे देश को लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, तब जाके असली न्याय गरीब से गरीब गांव में ढाणी में पहुंच सकेगा, ये मेरा कहना है। बाकी जो कुछ हो रहा है आपको मालूम ही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान अंबेडकर साहब का संविधान धज्जियां उड़ रही है, खाते बंद हो रहे कांग्रेस के, अमेरिका, जर्मनी, UNO सब आलोचना कर रहा, देश की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है हमारी, किस प्रकार दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रल बॉन्ड आ गए, ये सब बात आप जान चुके हो, इसलिए इस चुनाव के अंदर आप सबक सिखाओगे तब जाके लोकतंत्र बचेगा। ये चुनाव खाली इंदौरा का या गोविंद मेघवाल का नहीं है, ये चुनाव देश में लोकतंत्र बचाने का है, ये चुनाव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने का है, ये चुनाव आने वाली नस्लों का भविष्य बनाने का है। यही बात कहता मैं ये बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गहलोत साहब। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 4,000 किलोमीटर तक हिंदुस्तान के किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारों के और धरती पुत्रों के दिलों में जगह बनाने वाले आप सबके चहेते भारत न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में छाने वाले और बीजेपी से डट का मुकाबला करने वाले हम सबके नेता राहुल गांधी जी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ओजस्वी वादन से गंगानगर और बीकानेर लोकसभा से कांग्रेस जीत के जाएगी, यह विश्वास दिलाएं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी। सुखजिंदर रंधावा जी, गोविंद दोतासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, श्रीमती शिमला नायक जी, अंकुर मिगलानी जी, सिहाग जी, हमारे कैंडिडेट्स गोविंद राम मेघवाल जी, कुलदीप इंदौरा जी,
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए जान देने को तैयार होते हैं, और प्रेस के हमारे मित्रों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे, 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजट दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है वो इनको बोलने नहीं देंगे। मगर एक और बात मुझे पता लगी, कुछ महीने पहले मैंने मीडिया के बारे में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है, सवाल था। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है तकरीबन, कोई जानता नहीं है मगर कहा जाता है कम से कम 50% आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%, मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है
या दलित आदिवासी गरीब जनरल कास्ट की। भाइयों और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है जो देश को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। दलित 15%, एक व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा। आदिवासी 8%, एक आदिवासी आपको सीनियर मीडिया में मालिकों की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं दिखाई देंगे, माइनॉरिटी का कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। ये 2-3% लोग मीडिया में रोजगार पाते हैं, 15-20 लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं और 24 घंटा यही 50-60 लोग नरेंद्र मोदी जी की जय करते हैं। अब सवाल उठता है कि 90% जनता इसमें तो है ही नहीं, तो सबसे पहली बात, ये जो मीडिया वाले लोग हैं ये आपके नहीं है, ये हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के, दलितों के, आदिवासियों के, ये आपके नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके होते तो पिछड़े वर्ग के लोग मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते, एंकर्स होते, सीनियर मैनेजमेंट में होते और 24 घंटा जो देश के असली मुद्दे हैं इनके बारे में आपको कभी दिखेगा नहीं। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में, और मीडिया में क्या आता है, आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। मीडिया में आपका कोई नहीं, अब बताइए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, 200 सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मालिकों में और उनकी सीनियर मैनेजमेंट में मुझे बता दो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, एक नहीं मिलेगा। मैंने लिस्ट निकाली है, 200 नाम की लिस्ट निकाली,
मालिकों की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट, उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। अब आप कहोगे 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है, इतना बड़ा नंबर है आपको और हमें पता ही नहीं लगता कितना बड़ा है। मैं बताता हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। समझिए बात, जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। देखिए पहली लाइन में 3, 6, 9 कितने लोग हैं पहली लाइन में, तकरीबन 20 लोग होंगे, पहली लाइन में 20 लोग हैं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं, 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए, युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए, महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा, और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में, 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। जीएसटी, नोटबंदी, लाखों रुपए, पहली बार किसान टैक्स देता है इंडिया, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में उतना ही अदानी देता है। यह आपने शर्ट खरीदी 18% जीएसटी आप दोगे, यही शर्ट अगर अंबानी या अदानी खरीदेगा वो भी 18% ही देगा। तो धन आपका, वो अरबपति है, और जितना टैक्स किसान देता है उतना वो देता है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दे दिए। वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो मीडिया में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं दिल्ली में बैठते हैं, बजट वो बांटते हैं,
मैंने आंकड़े निकाले, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने, 3 आबादी 50% और 90 में से 3। और अगर बजट की बात करें तो अगर 100 रुपए का बजट होता है, 100 रुपए का बजट बढ़ता है 5% पिछड़े वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं, 15% दलित हैं, 1% 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेता है, आदिवासी 8% 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर लेते हैं। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है, कौन से दलित की सरकार है, कौन से आदिवासी की सरकार है, कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। चौबीस घंटा मीडिया बात करेगी, कभी आपको क्रिकेट दिखाएगी, कभी आपको बॉलीवुड के स्टार दिखा देगी, ध्यान इधर उधर करवाएगी, और फिर आपका जीएसटी का पैसा सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में जाता है। तो सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखा है जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। और आप देखना, चुनाव जीतने के बाद जब हम ये करेंगे तो सारा का सारा मीडिया कहेगा कि देखो आप किसान की आदत बिगाड़ रहे हो, आप मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हो, हमने मनरेगा किया, मेहनत करके मजदूर को पैसा मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। सारी की सारी मीडिया कहती है नहीं देखो यूपीए की सरकार मजदूरों की आदत बिगाड़ रही है, आलसी बना रही है, मगर जब हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती, वो आलसी नहीं होते। तो 5 वायदे हमने आपसे किए हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूं। सबसे पहले, आज तक कोई नहीं जानता कि पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। तो हमारा पहला काम जाति जनगणना। चोट लगती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करो, चोट हिंदुस्तान में जनता को लग रही है। जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे और हिंदुस्तान के जो धन है उसका सर्वे हम कराएंगे, पता लगाएंगे पिछड़े वर्ग के कितने लोग, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग, दलित कितने, आदिवासी कितने, माइनॉरिटी कितने, और पता लगाएंगे हिंदुस्तान का धन कितने लोगों के हाथ में है, किन लोगों के हाथ में है। हर संस्था को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, सरकारों को देखेंगे, पता लगाएंगे क्या सचमुच में पिछड़ों की भागीदारी है
दलितों की भागीदारी है, आदिवासियों की भागीदारी है, गरीब जनरल कास्ट की भागीदारी है, और जाति जनगणना से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। दूसरा काम देखिए, मेरे दिमाग में एक नंबर है, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी, और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, झूठ बोला। जो अमीर घर के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, शब्द आपने सुना होगा, उनको ट्रेनिंग के लिए 1 महीना 2 महीना 6 महीना बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजा जाता है, उनको पैसा मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है। हिंदुस्तान में गरीब लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, सिर्फ अमीर लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करवा सकते हैं। हमने पहले रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, गांव में जो भी मजदूरी करते थे उनको हमने रोजगार की गारंटी दी। अब हम हिंदुस्तान के हर युवा को अप्रेंटिसशिप की गारंटी देने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप कानून क्या कहता है कि अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा, शिक्षित युवा, अगर अप्रेंटिसशिप चाहता है तो प्राइवेट कंपनियों में
पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में उसको एक साल की अप्रेंटिसशिप और 1,00,000 रुपये हिंदुस्तान की सरकार देगी। और फिर अगर वो युवा अच्छी तरह काम करेगा, 1 साल के अंदर अच्छा काम करेगा, 1,00,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मगर फिर उसके बाद उसको नौकरी भी मिल सकती है। भाइयों और बहनों, 30,00,000 सरकारी पोस्ट हैं, नौकरियां हैं, 30,00,000। नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा, अपने जो 20-25 मित्र हैं उनके, उनकी मदद करने के लिए। हम दो काम करने जा रहे हैं। पहला काम, 30,00,000 सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं, और दूसरा काम, और यह सुनकर करोड़ों लोगों के दिल में खुशी आएगी, जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से, ठेकेदारी से नहीं करेगा, उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके और उसके परिवार की रक्षा होगी। चौथा काम, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से साफ कह दिया, आपका कर्जा माफ नहीं होगा, आप आतंकवादी हो और आपको सही एमएसपी नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी, कानूनी एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू कर देगी। और अगर नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी फिर से किसानों का कर्जा माफ करके आपको दिखा देगी। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि देखिए, जितना उन्होंने 20-25 लोगों को दिया उतना हम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को देंगे। और आखिरी बात, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था, सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी, अगर आप शहीद हुए आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाकर यह वायदा तोड़ा है। और यह अग्निवीर स्कीम जो है भाई और बहनों, यह आर्मी को नहीं चाहिए थी। यह आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए, यह नरेंद्र मोदी जी ने पीएम ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा,
पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। आप सब यहां आए, गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। ये चुनाव 90% वालों का चुनाव है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का। एक तरफ अदानी जी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति, नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा धन उनके हाथ में, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से दबाव डालकर, हफ्तेबाजी कर बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। ये चुनाव गरीब और 22-25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे यहां जो कैंडिडेट हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल गांधी जी, ईद और गणगौर की। राहुल गांधी जी हाथ हिलाकर बधाई दे रहे हैं आप सबको। अब मैं राजेंद्र जी भादू, जो कि बीजेपी छोड़कर जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो है सापा बनाएंगे। हमारे बीच में सचिन पायलट साहब पधार चुके हैं, सचिन पायलट साहब पधार चुके हैं, उनके लिए उद्बोधन देंगे सचिन पायलट साहब। रंधावा साहब। आदरणीय राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, रंधावा जी, हम क्षमा चाहते हैं देर से आपके बीच में आए। अभी राहुल गांधी जी का भाषण आपने सुना, और उन्होंने आह्वान किया है कि देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार ने हमारे साथ जो धोखा दिया है, किसानों को संगठित कर 36 कौम के लोग, विशेष रूप से नौजवान, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। गोविंद जी को, कुलदीप जी को अपना आशीर्वाद दें और हमको आश्वासन देते हैं राहुल जी, कांग्रेस पार्टी मजबूती से, एकजुटता से चुनाव लड़ रही है और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टियां से जीतेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बीडी कल्ला साहब, धन्यवाद देंगे बीडी कल्ला साहब, धन्यवाद स्वरूप दो सब कहेंगे। आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े रहें। बीडी कल्ला साहब धन्यवाद। राहुल जी ये घोषणा करेंगे अनूपगढ़ के लिए, आप सब बैठे। आदरणीय राहुल गांधी जी, अभी अभी मुझे बताया गया है कि आपकी रेलवे की समस्या है, चुनाव जीतने के बाद मैं ये पर्सनली आपका काम कराऊंगा। मैं राहुल गांधी जी का और तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम राजस्थान में खासतौर से बीकानेर, गंगानगर और तमाम सीटों पर कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी।